नीचे रहने दीजिए बाबू, बाबू रहने दीजिए, दो इधर दिखेगा ना बस उधर। हाँ गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनीता त्रिपाठी ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है और हैप्पी जन्माष्टमी। और आज है कृष्ण जी का जन्म होगा और यहाँ फर्स्ट बार जन्माष्टमी मनाया जा रहा है, अभी हम पहली बार मना रहे हैं। तो देखिए हम सजाव जा लिए थे तो बाबू लोग आए गुब्बारा फुलाने के लिए, तो वही कृष्णा लिख रहे पत्ते पर। और ये हुआ कि थोड़ा वीडियो जब भेज दिए लोग सब लोग, तो हम कहलाओ ब्लॉग एक बना दें, फर्स्ट जन्माष्टमी करेगा यादगार रहेगा। और यहाँ मक्खन हम निकाल लिए हैं, घर पे रखे थे मलाई, उसी से मक्खन ताज़ा ताज़ा निकल गया है। और यहाँ पे खोआ का केक बना रहे थे तो दूध ही बात कर रहे थे, दूध जल गया थोड़ा सा तो उसको ऊपर से निकाल लिए दूध दूसरे कढ़ाई में। और यहाँ पे पंजीरी तैयार हो गया हमारा, पंजीरी में थोड़ा घी डाल के मतलब जैसे फिर चीनी मिला तो अच्छा, थोड़ा सा खाने में टेस्ट उसका अच्छा होता है। और यहाँ पे बनाने जा रहे हैं सठौरा, तो सबको मतलब थोड़ा सा पहले छोहाड़ा को कूट लिए, उसके बाद सब मिक्सी में थोड़ा सा दरदरा पीस के और उसके बाद सब सठौरा बनाने के लिए जा रहे बैठ, यहाँ बैठ के सठौरा बना रहे थे तो मम्मी बोली हैं कि ले आओ तुम वीडियो बना दें, ऐसे ही बात करते करते रहे तो हम लोग वीडियो ऐसे बन गया एक। हम छठियार के दिन बनता है लेकिन हमको नहीं पता था, फर्स्ट जन्माष्टमी था इसलिए हम पहले ही बना दिए, फिर कोई बात नहीं है। अब दूसरी बार से हर चीज़ का ध्यान रहेगा और बढ़िया ब्लॉग भी बनाएंगे, इस बार तो बढ़िया ब्लॉग नहीं बना है, दूसरी बार बढ़िया ब्लॉग बनाएंगे। और यहाँ पे लड्डू गोपाल के लिए अपने कपड़ा लाए थे हम, तो एक मुकुट था और ये चश्मा है और पौजेब लाए थे, हाथ में का कान में का सब मतलब उनके था। और यहाँ पे 12 बजने वाला है इसलिए बत्ती बंद हो गया है, 12 बजने वाला था तो सब लोग कह रहे 12 बज गया, तो जब बत्ती बढ़ेगा तभी तो दिखेगा कुछ, 12 बज गया तो बस बत्ती बढ़ गया और यहाँ पे होगा कान्हा जी का जन्म। और यहाँ जो पीली वाली टोकरी दिख रही है, जल्दी जल्दी कोई वीडियो नहीं बनाया मतलब ध्यान ही नहीं था उतना, जो वीडियो हम पाए वही अपलोड कर दिए हैं, उतना वीडियो ही नहीं बना था। और यहाँ मतलब पहले ही फूल में करके और उसी में खीरा करके रख गया था, मतलब जैसे कान्हा जी को फूल में और उसी के मतलब बगल में खीरा और इस सिक्का से खीरा काटा गया है यहाँ पे। लड्डू गोपाल को नहा रही हूँ, यहाँ पे उनको अच्छे से नहला के फिर उसके बाद कपड़ा पहनाया जा रहा है लड्डू गोपाल को।
कपड़ा पहनाने में इतना टाइम लग जा रहा है लड्डू गोपाल को। उनके हाथ में का सरक जा रहा था, बार बार पहनाया जा रहा था, सरक जा रहा था। और जूम करके मतलब जो वीडियो बना रहे हैं, जूम करके बना रही हैं। हाँ ना, इतना बड़ा फ्रॉक पहना जाए, फिर से बोलना अभी ठीक है। क्या बनाई थी फ्रॉक उनका? क्या पहन रहे खाना जी? कान बाली पहना दिए, अब पहनाया जाएगा उनको। दूसरे कान थोड़ा पीछे रहो। यहाँ पे उनके पैर में पौजेब पहनाया जा रहा है, तो एकदम ही थोड़ा सा तब जूम कर दी थी तो इसलिए अच्छा नहीं आ रहा था वीडियो इतना। अब दूसरे पैर में पौजेब पहनाया जा रहा है कान्हा जी के। देखिए मेरे कान्हा जी तैयार हो गए हैं, और उनको भी सब लोग बोले मध, जब बच्चे पैदा होते तो मध चटाया जाता है, तो इसलिए कान्हा जी को पहले मध चटाया गया। यहाँ पे मध चटा के हो गया, अब बस केक कटेगा। आरती हुआ पहले, और यहाँ पे हम सबको प्रसादी दे रहे थे। रात को वही 12:30-1 बज गया था, तो जितने लोग आए थे सबको प्रसादी दे दे के हम सोचे सब लोग चले जाएंगे। फिर तो बहुत काम ही रहता, काम काम, इसी में सबको नाश्ता पानी सब बनाना था, तो इसलिए थोड़ा सा। और वीडियो उतना अच्छा तो बना नहीं था, लेकिन फिर भी लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा।